तैयार होने के बाद राजा बेटा भी तैयार किया मैंने, और फिर हम सब छत पे आ गए हैं जहाँ पंडित जी आ गए हैं और वो पूजा की तैयारी शुरू कर दिए थे। घर की सारी औरतें, चाची लोग, भाभी लोग, जितने लोग भी थे सब लोग छत पे आ गई थी। शिल्पी भी आ गई थी छत पे, पूजा में बैठ गई है भैया के साथ में, और बाबू भी छोटा वाला है लेकिन अभी उसको गोद में नहीं ली थी तो मैंने बोला कि गोद में ले लेना। और यहाँ पे नाउन आंटी जो है गांठ बांध दी है, पंडित जी पूजा स्टार्ट कर दिए हैं, हम सब बैठ गए हैं पूजा सुनने के लिए क्योंकि कभी कभी ही पूजा हो पाती है घर में, और जब होती है तो अच्छा लगता है, सब लोग साथ में इकट्ठे होते हैं और पूजा कराना भी चाहिए घर में। यहाँ पे हनु भी बैठ के देख रहा है, हम सब बैठे हुए हैं, मैं बैठ के वीडियो कॉल पे दिखा रही थी मम्मी को, और यहाँ पे बाबू को सब सिर्फी गोद में ले ली थी, और सब लोग हैं। पता नहीं राजा बेटा कहाँ है, उनका कुछ अता पता नहीं रहता है, दिन भर दौड़ते रहते हैं तो मेरी नज़र उनको भी ढूंढती रहती है। तो अभी जो है घी से, गंगा जल से, दही से, शहद से, जितनी भी सामग्री लगती है सब चीज़ों से ठाकुर जी को नहलाया जा रहा है ताकि चनामृत तैयार हो सके। और जो भी कार्यक्रम है वो सब स्टार्ट हो चुके हैं। हलवाई लोग पीछे की साइड में खाना बना रहे हैं क्योंकि पूजा के बाद थोड़ा बहुत जो भी गाना बजाना होगा उसके बाद सबको खाना ही खाना है। तो अभी जेंट्स तो कोई नहीं आया है, जेंट्स रात में ही आएंगे खाना खाने के टाइम पे, लेकिन यहाँ पे औरतें आ गई हैं और यहाँ पे पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया है, सब लोग घर के जितने लोग थे सब लोगों ने हवन किया है क्योंकि पंडित जी बोले कि सब लोग बैठ जाओ, सब तो घर के ही हैं, सब लोग हवन कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। यहाँ हनु जो है पंडित जी को देख देख के हंस रहा है क्योंकि पंडित जी मंत्र गा रहे थे, और यहाँ राजा बेटा दिख गया है बदमाशी करते हुए, बदमाशी करने में लग गए हैं वो। और मैं भी बैठ गई थी हवन करने के लिए, राजा बेटा को अपने साथ में लेके बैठी थी ताकि वो भी हवन में आहुति दे सके क्योंकि ये सब चीज़ें जब बच्चे करते हैं तो बच्चों का मन बहुत शांत होता है और बच्चे पूजा पाठ में भी ध्यान लगता है। तो मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो सोचती हूँ राजा बेटा मेरे साथ में रहे ताकि वो ये सब चीज़ें देखें और सीखें क्योंकि अभी छोटा सा दिमाग रहता है इनका, बहुत ज़्यादा नहीं विकसित होता है, जिस हिसाब से हम इनको ढाल दें वो उस हिसाब से ही ढलते हैं। तो यहाँ अभी घर की और भी लोग बैठ गए थे हवन करने के लिए, भाभी लोग वगैरह सब लोग बैठ गई थी, जो जो बाकी थी सब बैठ गई थी, और आरती हो रही थी, आरती भी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो होंगी। तो गिफ्ट सारे आ ही गए हैं, पूरा फैमिली आ गई है, और फिर मैं नीचे आके देखी तो यहाँ नाश्ता भी लग चुका था देने के लिए सबको, डिब्बे में मिठाई भी लग गई थी सबको देने के लिए। और यहाँ पे अभी घर के लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, राजा बेटा भी बैठ गए थे खाने के लिए लेकिन वो अपने से खा नहीं पा रहे थे। मैंने उनको बोला कि मैं आपको खिला देती हूँ लेकिन वो मेरी कहाँ सुनते हैं, बिल्कुल भी कोई मेरी बात नहीं सुनते हैं। और अभी ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।